मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबों का बड़ा दिन का शुभकामनाएं। हैप्पी क्रिसमस। आज का प्रभु का शुभ संदेश हम सबों के लिए यह है जितनों ने उसे अपनाया, आज जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को ईश्वर ने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है जिन्होंने उसे अपनाया और उसके नाम में विश्वास करते हैं, ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। आज हम सभी बड़े उल्लास के साथ हमारे प्यारे प्रभु यीशु का इस जन्मदिन, हमारे नश्वर शरीर रूपी उनका उस जन्म गौशाला में हुआ था, उसी को बड़े उल्लास के साथ, बड़े धूमधाम के साथ और नया जोश के साथ हम जब मना रहे हैं। जैसे हमने उस प्रवेश गाना गाया, पूरा वो में चमक रहा है, आज पूरब की चमक हम सबों को ईश्वर की संतान बनने का इस प्यार में निहित है। हम सबकी भी सुधी में जो यहाँ तेरे सामने उपस्थित है, हमारा विश्वास और भक्ति तू भली भांति जानता है। हम अपने लिए तथा अपने प्रियजनों के लिए तेरी स्तुति में यह बलि चढ़ाते हैं। तू ही हमारा सत्य और ईश्वर है। हम अपने कल्याण और मुक्ति के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। सारी कलीसिया से संयुक्त होकर हम सर्वप्रथम अपने ईश्वर तथा प्रभु यीशु की सारी कलीसिया से संयुक्त होकर हम उस दिन का पावन उत्सव मना रहे हैं जब गर्भवती मरियम ने संसार के लिए मुक्ति दाता को जन्म दिया था। हम उन्हें इस माता का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हैं और उनके वर्ष दूसरे का पेतुस और पौलुस अंद्रियस वेरितो और सभी सहयोग तथा संतों का भी हम स्मरण करते हैं। उनके पुण्य फलों तथा प्रार्थनाओं के द्वारा हमें सदा तेरी सहायता और सुरक्षा मिलती रहे। हे प्रभु, हे प्रभु, यह चढ़ाव कृपा पूर्वक स्वीकार कर इसे हम तेरे सेवक और तेरी प्रजा तुझे अर्पित करते हैं। इस पृथ्वी पर हमें शांति प्रदान कर, नरक दंड से हमें बचा और अपने संतों की संगति में सम्मिलित करने की कृपा कर। हमारे इस चढ़ाव को ईश्वर पवित्र कर, इसे पूर्ण रूप से राजी बना कि यह तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह का शरीर तथा रक्त बन जाए। अपने दुख भोग के एक दिन पहले यीशु ने अपने पवित्र हाथों में रोटी ली और आंखें ऊपर उठाकर उन्होंने तुझे अपने सर्वशक्तिमान पिता को धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो, आओ खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने अपने पवित्र उच्च हाथों में कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसने अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो, आओ पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था को रक्त जो तुम्हारे अपवित्रों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो।
21 दिसंबर मनाया जा रहा है आसनसोल में, तो आसनसोल वासियों को आपका तरफ से क्या मैसेज है? हर साल 25 दिसंबर को पूरे दुनिया के क्रिश्चिय भाई बहन लोग बालक यीशु के जन्म का दिन बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। चूँकि बीते 2 साल से कोरोना महामारी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, और फिर नया ओमिक्रॉन आ गया है, इसको देखते हुए हम इस बार उतना ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ नहीं मना रहे हैं, ज़्यादा धूमधाम नहीं मना रहे हैं। फिर भी हम लोग हमारे चर्च को काफ़ी अच्छी तरह से सजाए हुए हैं, और जैसे हम जानते हैं कि बालक यीशु शांति के राजकुमार हैं, हम उन शांति के राजकुमार से सभी लोगों के लिए, विशेष करके हमारे इस आसनसोल शहर के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि सिर्फ यहाँ के लोग नहीं लेकिन विश्व के सभी लोग इस महामारी से मुक्त हो सकें, और बालक यीशु सबों को, विशेष करके हमारे इस आसनसोल शहर के निवासियों को अपनी शांति, अपनी आशीषों से भर दे। आज इस क्रिसमस के शुभ अवसर पर आसनसोल वासियों के लिए यही मेरा संदेश है। जैसे अभी जानते हैं कोरोना महामारी अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, लगभग सब कोई डोज ले लिए हैं फिर भी ख़त्म नहीं हुआ है, और फिलहाल और एक दूसरा वेरिएंट ओमिक्रॉन आ गया है, इसीलिए लोगों से हमारा निवेदन है कि वे अपने आप को सुरक्षित रखें और दूसरों को भी सुरक्षित रखने में सहयोग दें, मदद करें। ठीक है, जाना शुभेच्छा अभिनंदन एवं भगवान जीसासर का प्रार्थना करी सबा के जान सुखे शांति रखें, एवं तार संगे जो नतून बचर आससे এটা তো ভগবান যিশুর কাছে প্রার্থনা করব যেন আগামী দিনে আসানসোলবাসীকে সুখে শান্তিতে রাখেন।